की जानब जाना। हजरत इस बार हम अहले सुन्नत वाल लोग वो हैं, अगर कोई खुशी मिले तब भी लजपाला का को याद करते हैं, अगर कोई गम मिले तब भी लजपाला का को याद करते हैं। हम अहले सुन्नत व जमात लोग हैं कि खुदा दे कामल ख्याल वर्गा बहुत मुख्तसर और जहाँ जहाँ मुझे जितना जितना हुक्म है उसके मुताबिक बस खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किबला शाह जी खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुस्न ओ जमाल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुस्न ओ जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछया अम्मा हलीमा कोई सोने मदनी तो देर डिठा है, जवाब मिलया अदीब कमला किसे ने जनया है लाल कोई नहीं, खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं। और किबला शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा फरमा बरदार हो ना तो बाप को कर्ब होता है, उस्ताद शगिर्द फरमा बरदार हो उस्ताद को कर्ब होता है, और जब सैयद ज़ादा का मुरीद आलमे दीन हो तो यकीनन सैयद ज़ादे भी खुशी महसूस करेंगे। खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वध के सोना। और भाई वसीम अल हसन मुर्तजाई साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने किताब का तोहफा देना था ना तो 40 रातों के लिए मेराज कराई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, किबला शाह जी बहुत शुक्रिया, 40 रातों के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज कराई, 40 रातों के लिए सफर कराया, पास बुला के फिर किताब का तोहफा दिया। मेरा जुमला जाया ना करना, मैं बहुत कम वक्त में अपनी हाजिरी पेश कर रहा हूँ। अरे लोगों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 रातों के लिए मेराज कराई, सफर करा के फिर किताब का तोहफा दिया। अरे जिसके पीछे पीछे कुरान गलियों तक आए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके पीछे पीछे कुरान गलियों तक आए उसे मोहम्मद कहते हैं। कि खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं। मैं जाग के पूछा अम्मा हलीमा, और किबला शाह जी मलका बल्कीस की आमद मतवक्का थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल सजी हुई थी, आपने कहा कि मलका बल्कीस की आमद मतवक्का है, कोई है जो मलका बल्कीस का तख्त ले आए। जनाब के सरदार ने कहा हाँ मैं ले आता हूँ आपकी महफिल खत्म होने से पहले। आपने कहा नहीं इससे भी जल्दी चाहिए, वो तो पहुंचने चुकी है। किबला एक बंदा उठा महफिल से जिसके पास किताब का थोड़ा सा इलम था, वो कहते हैं आप बस आंख बंद करके खोले और बल्कीस का तख्त आपके सामने आ जाएगा। हजरत जुकार अगर किसी के पास किताब का थोड़ा सा इलम हो तो वो इतनी दूर से मलका बल्कीस का तख्त ला सकता है, अरे उस नबी की शान क्या होगी जो खुद साहबे कुरान है, जो खुद साहबे कुरान है। कि खुदा दे कामल ख्याल वर्गा किसे दा कामल ख्याल कोई नहीं, मेरे मोहम्मद तो वध के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछा अम्मा हलीमा को सोने मदनी तो डेर डिठाए, जवाब मिले अदीब कमला किसे ने जनया इलाल कोई नहीं। फलक ते चांते सितारे देखें, जमीन ते कितने नज़ारे देखें, अरिश तो लाके फरिश्ते दौड़ी किते भी मिलती मिसाल कोई नहीं। तो लखा यूसुफ दे आशक हो सन लोको, लखा यूसुफ दे आशक हो सन करोड़ा मूसा दे मनन वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशक बिलाल कोई नहीं, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशक बिलाल कोई नहीं। शाह जी बस आखिरी चंद अशार कि क्या बताऊं कहां तक है नाता अली के बच्चों का। शाह जी अपना तखयल आपकी समातों की नजर पहली दफा पढ़ रहा हूं, क्या बताऊं कहां तक है नाता अली के बच्चों का, कायनात खाती है सदका अली के बच्चों का।
पहली दफा अपने अशार किसी महफिल में पढ़ रहा हूँ, आपकी तवज्जा का तालब हूँ, बिलखसूस भाई मोहम्मद मुनीर हुसैन मूवी साहब उनके तवज्जा का तालब हूँ कि क्या बताऊं कहाँ तक है नाता अली के बच्चों का कि कायनात खाती है सदका अली के बच्चों का कि कायनात खाती है और तेरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए जमीन पे बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। शाह जी मोबाइल जाते हुए गाड़ी में चलाएंगे, एक से बंद करे जरा हमें सुने। तेरे शब्बीर की मिट्टी, तेरे शब्बीर की मिट्टी, आपके बड़ों का जिक्र कर रहा हूं, तेरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए जमीन पे बैठे बैठे मेरी मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दें करबला वाले तो दुनिया दाने दाने को मोहताज हो जाए। क्या बताऊं कहां तक है नाता अली के बच्चों का कि कायनात खाती है सदका अली के बच्चों का। बेदम यही तो है पांच मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। क्या बताऊं कहां तक है नाता अली के बच्चों का। ये चंद अशार कंपनी की मशहूरी के लिए आपके सामने पेश कर दिए हैं। फिर बताऊंगा क्या बताऊं कहां तक है नाता अली के बच्चों का। आका के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल कर बेस गलियों में वो जाना याद आता है। इस दौर की माएं जब जब आटे को तरसती हैं, ऐ उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है।